समानांतर अर्थव्यवस्था मीन्स पैरेलल इकोनॉमी का क्या तात्पर्य है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन वन, काला धन, ब्लैक मनी। अगर किसी देश में बहुत सारा काला धन जमा हो जाता है तो उस देश में एक पैरेलल इकोनॉमी इस्टेब्लिश्ड हो जाती है। पैरेलल इकोनॉमी इस्टेब्लिश होने की वजह से उस देश की इकोनॉमी को हम सही से जान नहीं पाते हैं और वह उस देश की इकोनॉमी को बहुत हार्म पहुँचाती है। पैरेलल इकोनॉमी की वजह से जो काला धन इकट्ठा हुआ रहता है उसका यूज़ बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी में यूज़ होता है, जैसे कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, टैक्स की चोरी। पैरेलल इकोनॉमी की वजह से देश की नेशनल इनकम और जीडीपी के बारे में भी सही से आकलन नहीं हो पाता। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन वन, ब्लैक मनी, काला धन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, 2012। भारत सरकार ने 31 मई 2012 को नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया। इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य ये था कि एक नंबर और एक राष्ट्र। इस पॉलिसी के और भी कई की फीचर हैं, जैसे कि MNP, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, और इंडिया को रोमिंग फ्री करना, और इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री का ग्रोथ करना, और पूरी दुनिया में इंडिया को एक टेलीकॉम हब की तरह पेश करना। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन थर्ड, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो या किसका कथन है? तो हमारा आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ही संरक्षण में पहली बार वेदों की छपाई शुरू हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका मीन्स लेजिस्लेचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो लेजिस्लेचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि लॉस को, कानून को बनाना। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू, कानून बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा स्थल मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन फोर, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए का प्रयोग किया जाता है? अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो मिट्टी अम्लीय होती है। मिट्टी के अम्लीय होने पर मिट्टी के बैक्टीरिया सही से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण फसल की पैदावार बहुत कम होती है। तो इसके लिए हमको मिट्टी को न्यूट्रलाइज या उदासीन करना पड़ता है। इसके लिए हमको मिट्टी में कोई क्षारीय सोल्यूशन डालना पड़ता है, जो कि या तो बुझा हुआ चूना हो सकता है या फिर बिना बुझा हुआ चूना। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बिना बुझा हुआ चूना तथा बुझा हुआ चूना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, NR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन फोर, हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर रिजर्वॉयर भाखड़ा नागल डैम के पास सतलुज नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम मिश्र धातु का आधार धातु कौन सा है? जब मर्क्यूरी या पारा किसी मेटल धातु के साथ मिक्स होकर कोई मिक्सचर बनाता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अमलगम का बेस जो आधार धातु है वो क्या है? वो है पारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू, पारा। एक एग्जांपल देख लीजिए अमलगम का, Ag2, ये सिल्वर होता है, Ag2Hg3। यहाँ पे Ag सिल्वर ये मेटल है और ये Hg पारा है। ये अमलगम डेंटिस्ट डेंटल फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन फोर, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू
रो एल बाई ए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। जहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, रो रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसकी यूनिट होती है ओम पर मीटर, ठीक है फ्रेंड, इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। एल एल लेंथ है मीटर में और ए एरिया है मीटर स्क्वायर में। तो देखिए आर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, आर प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इन चारों ऑप्शन में हमारा ऑप्शन वन करेक्ट है, देखिए उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन फोर प्लेटलेट्स। हमारा ब्लड तीन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, पहला है आरबीसी रेड ब्लड सेल, दूसरा है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है फ्रेंड। हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा मेन में 13.5 से 17.5 के बीच में ग्राम प्रति डेसी लीटर होनी चाहिए और वीमेन में 12 से लेके 15.5 के बीच में ग्राम प्रति डेसी लीटर होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन वन मृत्यु डेथ। भारत में सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सांची एक गांव का नाम है, ठीक है फ्रेंड, तो इसे हम पूरा सांची स्तूप के नाम से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मृत्यु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड इल्तुतमिश। चंगेज खां एक मंगोली शासक था, वह बहुत कठोर और निर्दयी था। चंगेज खां ने गजनी जो कि अब अफगानिस्तान में है और पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है, गजनी और पेशावर को जीतने के बाद उत्तर भारत में आक्रमण करने की सोची, लेकिन उसके रास्ते में दुर्गम पहाड़ियाँ और सिंधु नदी आ गई। उस समय सिंधु नदी में बहुत बाढ़ आई हुई थी जिसके कारण चंगेज खां अपनी सेना सहित इस नदी को पार नहीं कर सका, तो नदी पार ना कर पाने के कारण वह अपने देश वापस चला गया, तो इस तरह भारत चंगेज खां के आक्रमण से बच गया, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन थर्ड इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्रोपीन में हाइड्रोजन के कितने अणु उपस्थित होते हैं, क्लोरोप्रोपीन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि कलरलेस होता है और ये हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब अति ज्वलनशील। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C3H7Cl, ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखिए 7 हाइड्रोजन एटम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 पेरिस, फ्रांस की कैपिटल। 2016 का समर ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और 2020 का ओलंपिक कहाँ होगा, ये होगा जापान के शहर टोक्यो में, ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन 2 पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला है आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आयनिक यौगिक आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, आयनिक बॉन्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको ब्रेक करने के लिए हमको हाई एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब दूसरा है कार्मिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि कार्मिक यौगिकों के बीच में थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए ये अच्छे विद्युत चालक नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट एक अच्छा विद्युत चालक है, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट है कार्मिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, जैसा कि आयनिक यौगिकों में बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, उसी तरह कार्मिक यौगिकों में जो बॉन्डिंग होती है वो कमज़ोर होती है, ठीक है फ्रेंड,
तो हमको इसकी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए इससे गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो देख लेंगे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। आंसर 4, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुज्ञेय ऋण सीमा कितनी है। मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि छोटे स्मॉल और मिडिल क्लास लोगों को आसानी से लोन देना और बेरोजगारी को कम करना था। तो इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख तक लोन लिया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 10 लाख रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली मीन्स ज्यूडिशियल रिव्यू सिस्टम का उद्भव हुआ था, मतलब कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का मतलब ये होता है कि उस देश में कोर्ट को एक्सट्रीम पावर देना, ठीक है फ्रेंड। अगर उस देश की संसद ने कोई लॉ बनाया है तो कोर्ट को ये अधिकार होता है, ये पावर होती है कि वो उस लॉ को देखता है और ये बताता है कि वो लॉ वैलिड है कि इनवैलिड, ठीक है फ्रेंड। और जो संसद है वो कोर्ट का जो भी डिसीज़न होता है उसे मानता है, क्योंकि कोर्ट को एक्सट्रीम पावर दी गई रहती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 3, USA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो उसके आंसर हमारा ऑप्शन 3, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमार गुप्त प्रथम का पुत्र था। स्कंदगुप्त को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक दयालु और दानवीर राजा भी था। गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। भारत में संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 4, दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यासी कथन सत्य है या है। पहला है, फ्यूज़ को समानता युक्ति के साथ श्रेणी क्रम मीन्स सीरीज में संयोजित करते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, फ्यूज़ को समानता युक्ति के साथ पार्श्व क्रम मीन्स पैरेलल में संयोजित करते हैं, ये रॉन्ग है। थर्ड है, फ्यूज़ तार का गलनांक उच्च होता है, ये रॉन्ग है, क्योंकि फ्यूज़ तार का जो मेल्टिंग पॉइंट है हमेशा कम से कम रखा जाता है, ताकि जो बिजली की सप्लाई है वो हाई वोल्टेज पे तुरंत कट हो जाए। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट कथन पहला सही है और दूसरा रॉन्ग है और तीसरा रॉन्ग है, तो हमारा 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित है। अगर एटमॉस्फेयर में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो जाती है तो संगमरमर में ब्लैक स्पॉट बनने लगता है, ठीक है फ्रेंड। उसी स्पॉट की वजह से संगमरमर धीरे धीरे काला पड़ जाता है, तो जो काला पड़ जाता है उसी को मार्बल कैंसर वर्ड से डिनोट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 3, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स बैंक की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी, तब इस ग्रुप का नाम था ब्रिक। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका भी इस ग्रुप में ऐड हुआ, तब से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों में जितने भी देश हैं रूस को छोड़ के सारे देश विकासशील हैं और उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही है। ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी 23% है और ये सभी देश विश्व व्यापार का 18% योगदान करते हैं। ब्रिक्स देशों को हम लोग R5 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन सभी देशों की जो मुद्राएं हैं वो R लेटर से स्टार्ट होती हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा।
तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन थर्ड, न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पे टकराया था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने एक पतली सी सोने की पन्नी पे अल्फा कणों की बॉम्बरिंग कराई थी, ठीक है फ्रेंड। और उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने प्रोटॉन और परमाणु नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति मींस मॉनेटरी पॉलिसी कौन लागू करता है। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन टू, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक अहम योगदान था। उन्होंने ही आरबीआई की स्थापना के लिए गाइडलाइन जारी की थी। 1926 में डॉक्टर साहब ने ब्रिटिश कमीशन हिल्टन कमीशन के सामने आरबीआई बनाने का एक प्रस्ताव रखा था। आरबीआई को 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज किया गया। आरबीआई को हम बैंक ऑफ बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा।